क्या आपके पास कॉन्फर्म टिकट है? क्या आप कॉन्फर्म टिकट होने के बाद भी आपका डब्बा नहीं मिल रहा है आपको? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये जो प्रॉब्लम है ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ और इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोगों के साथ इंडियन रेलवे विभाग कैसे स्कैम कर रहा है, कैसे आप लोगों को ठग रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूँ विद प्रूफ। तो हेलो गाइस, दिस इज आर आर एंड यू आर वॉचिंग आर आर ब्लॉग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने एक टिकट बुक किया था गुवाहाटी टू अलवा का, और ये जो टिकट मैंने बुक किया था ये 23 तारीख को बुक किया था, 23 मई को। तो ये जो टिकट है ये एक सेकेंड क्लास डब्बा का टिकट है जो कि मुझे ऑनलाइन में शो हो रहा था, क्योंकि बाकी जो स्लीपर क्लास का डब्बा है, एसी कोच का डब्बा है, उनमें किसी डब्बे पे मतलब सीट अवेलेबल नहीं था। तो मैंने क्या किया, मेरे जो कस्टमर है उनको मैंने 2S का जो कोच है वो बुक कर दिया है टिकट। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, हमारा टिकट जो था कंफर्म था, सीट नंबर भी सही था, सब कुछ डब्बा नंबर सब कुछ सही था। तो ट्विस्ट तब आया जब मतलब जो कस्टमर थे मेरे वो मतलब जब ट्रेन पे चढ़ने गए, 23 तारीख जब आए तो वो ट्रेन पे चढ़ने गए तो उनको डब्बा नहीं मिला। तो ऐसे केस में जो है कोई कोई लोग जो है नए ट्रेवल करते हैं वो घबरा जाते हैं। तो क्या क्या उन्होंने मुझे कॉल किया कि डब्बा नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपने घर पे कॉल करके अपने घर वालों को मेरे घर पे भेज दिया। तो मुझे इतना हैरेसमेंट किया इस वजह से कि डब्बा नहीं मिला। तो इसमें तो देखिए मेरा तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जो डब्बा है ये तो मैंने नहीं लगाया, या मैंने तो डब्बा वहाँ से गायब नहीं किया। तो ऐसे स्कैम जो है इंडियन रेलवे विभाग ज़्यादातर तो नहीं बोल सकते, पर उनके द्वारा होता आ रहा है। तो ये कब ठीक होगा आप लोग बोलिए, आप लोगों के साथ भी शायद हो सकता है ऐसा हुआ हो कभी भी। तो आप लोगों ने क्या किया है मुझे ज़रा कमेंट में बताइएगा, ऐसे हालात में आप लोगों ने क्या किया। तो आप लोगों को मैं आज ये भी बताने वाला हूँ इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, और मैंने उनको मतलब उनके सीट कैसे प्रोवाइड किया, तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टिकट दिखाना चाहता हूँ, और आप लोगों को टिकट का PNR वगैरह सब कुछ चेक कर लेना है कि मैंने सही बोला है, सबका नाम सही है या नहीं, टाइम टेबल शो है सही है नहीं, आप लोगों को सब दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप लोगों को मैं अपना जो PC है वो उसमें आप लोगों को टिकट दिखाने वाला हूँ। तो देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए टिकट जो था हमारा 23 मई को था, यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप गुवाहाटी टू अलवा, और जो क्लास है वो है सेकेंड क्लास, सेकेंड सीटिंग देख सकते हैं, और ट्रेन का नाम जो है ये है DBRG NCZ स्पेशल, और ट्रेन का नंबर है 06106। तो यहाँ पर पैसेंजर का नाम भी देख सकते हैं, पहला नाम जो है बुलबुल अहमद, इजाजुल हुसैन और रकीबुल हुसैन। तो यहाँ पर देख सकते हैं बुकिंग स्टेटस कन्फर्म D11, और सीट नंबर भी देख सकते हैं 21, 22, 23, सबका सब मतलब सब कुछ सही था। यहाँ पर तो मैंने आप लोग को टिकट दिखा दिया, आप लोग खुद जाके चेक कीजिए PNR को मार के कि ये कंफर्म था कि नहीं था, आप लोग डब्बा भी देख लीजिएगा। तो मैंने जब ये सुना कि डब्बा गायब हो गया है, डब्बा वहाँ पर लगाया गया ही नहीं है, तो मेरा जो सर है सर मतलब फटा जा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने तुरंत जो है हेल्पलाइन पे कॉल किया, इंडियन रेलवे विभाग का एक हेल्पलाइन नंबर है जो आप लोगों के साथ भी अगर कभी भी ऐसा होता है तो आप लोग 139 पे कॉल कर सकते हैं और आपका इशू जो है वहाँ पे बता सकते हैं। तो मैंने ये ट्राई किया, करीबन 4-5 बार ट्राई किया, पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस मेरा जो कंप्लेंट था वो रजिस्टर करके छोड़ दिया ऐसे ही। तो मैं लगातार सारा दिन जो है ऐसा ही करता रहा, बाद में जाके मुझे कॉल आया करीबन शाम के 3 बजे कॉल आया और बोला आप लोग आपने कंप्लेंट किया था,
ऐसा ऐसा आपका टिकट का डब्बा नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला हाँ मैंने टिकट बुक किया था, डब्बा नहीं मिल रहा है और बहुत ही परेशानी हो रही है, क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी ये जो ट्रेन है बहुत दूर जाता है, क्योंकि ये अलवा साउथ इंडिया, इंडिया टू आसाम टू साउथ इंडिया जा रहा है ये ट्रेन, तो बहुत लंबा सफ़र कर रहा है ट्रेन। और ये जो यात्री है उनको भी बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि उनका कंफर्म सीट नहीं है, उन्होंने पैसा दे के टिकट बुक कराया मुझसे, तो वो लोग तो मुझ पर ही ब्लेम करेंगे। तो मैंने जो है कंप्लेन किया था, उसके बाद कंप्लेन रजिस्टर किया और कम से कम 4-5 घंटे बाद जो है मुझे रिप्लाई आया कि ऐसा ऐसा आपका डब्बा जो है हमसे एक मिस्टेक हो गया है, हमने जो है डब्बा नंबर एक की जगह दूसरा लगा दिया और आप लोगों का जो D11 डब्बा है वो S2 में घुस गया है। तो मुझे ये क्लियरिफाई हुआ करीबन 5 घंटे बाद, और इन 5 घंटे में जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ सिचुएशन बना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, बहुत हरेशमेंट हुआ मेरे साथ, क्योंकि उन लोगों को तो पता नहीं था कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मैं बताऊंगा तो भी वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, मैंने कॉन्फर्म टिकट बुक करके दिया, उनको डब्बा नहीं मिल रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो उन लोगों को तो ये पता नहीं है। तो आप लोगों के भी साथ कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो आप लोग 139 पे कॉल करके अपना जो है कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। और देखिए ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, इंडियन रेलवे विभाग को इस मैटर पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी इशू नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक दो डब्बा नहीं है जो गायब हुआ है, 3 डब्बा गायब हुआ है, जिसमें D5, D11 और D12, ये तीनों डब्बा यहाँ पर था ही नहीं। जब मैंने कोच चेक किया तो वहाँ पर मतलब D11, D1, D2, D3 और D4 और DL2 था डब्बा, जो सेकंड क्लास डब्बा में पड़ता है, तो यही डब्बा था। और बाकी जो ऑनलाइन में दिखा रहा था वो डब्बा कहाँ गया, आप लोग बताइए कहाँ गया वो डब्बा। इतने सारे लोगों ने जो बुक किया है D11, D5, D12, इन सब डब्बे में जो उन्होंने टिकट बुक किया वो डब्बा किधर गया, और वो लोग कहाँ बैठ के गए, बोलिए आप लोग। इतना पैसा खर्च करके इतना दूर जाते हैं लोग, इतना मेहनत से वो पैसा कमाने जाते हैं, पैसा खर्च करके, और उनको आराम से मतलब बैठने का जगह भी नहीं मिलता, तो ऐसा क्यों करते हैं इंडियन रेलवे के लोग, आप ही बताइए। इसके बारे में हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसा ऐसे जो है हर किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है, मुझे पता है कि कैसा लगता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को इस बात का पता चले। मैं इतने दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझसे अब और रहा नहीं गया, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि किसी और को भी ऐसा प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो। तो आप लोग, और एक बात आप लोगों को बता दूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप लोग मान लीजिए आप लोगों का टिकट है और कंफर्म टिकट है आप लोगों का, आप लोगों की सीट पे कोई और बैठा हुआ है, तो आप लोग जो है इंडियन रेलवे के विभाग ने एक वेबसाइट जारी किया है जिसका नाम है रेल मदद, उसमें जाके आप अपना जो है कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो आप लोगों को उस कंप्लेन को कैसे रजिस्टर करना होगा, आप लोगों को उसका प्रोसेस जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।